उसके जैली अनावीन पर गुफ्तु हो रही है आज इस तल्लु से मैं आपके सामने इतबा रसूल सल्लल्लाहु सल के व्ल्लुक़ से कुछ मिसालें रखूँगा कुछ वाक़ रखूँगा अल्लाह तबारक दुआ है कि हमें वो रसूल सल वम के अतबा करने की तोफ़ी इनायत फरमाया अमीन जहाँ तक अल्लाह के रसूल सल अम का तल्लु है आपका मुकाम, आपका मर्तबा ये किसी मुसलमान से मकफी नहीं क़ुरान मजीद ने आपके बारे में जिस अंदाज से बात की है वो आपके और मर्तबा को और दोबाला कर देता है एक जगह फरमाया कुल्कान आबाक व इखवान वकुम व आजवाजुम वशीरतुम व अमाल तुमोह व तजारतन तकश्वन कसादहा व मसाकिन तरद अहब्ब इकुमिन व रसूल ही व जिहादिन फ़ी सबेली व तब अल्लामरी के रसूल सलम का मकाम मरतबा बयान किया गया कि माँ और बाप से बड़ा है औलाद से बड़ा है भाइयों से बड़ा है रिश्तेदारों से बड़ा है आपके कारोबार से बड़ा है आपकी कोठियों और आपके महल्ला से बड़ा है यह सब कुछ नहीं है रसूल के मुकाबले क़ुरान मजीद ने तो जब इतवा की एतात की, की बात की तो फरमाया या आ मनु अतिल्ला व रसूल व ला थु तिलो अमालकुम ए लोगो अल्लाह की इताअत करो उसके रसूल की इताअत करो और सुनो दोनों की या दोनों में से किसी एक की भी इताअत न करके अपने अमाल को बर्बाद न करो यानी अगर हम अल्लाह की अल्लाह के रसूल किसी एक की बात भी अगर किसी भी मामला में ठुकरा देंगे या नहीं मानेंगे तो याद रखिएगा हमारे आमाल बर्बाद हो जाए इसलिए कोई भी अमल करने से पहले हमें जांचना ये देखना ये समझना जरूरी होगा कि वो काम अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक है कि नहीं बहुत सारी चीजों में आज हम थोड़ा सा ये महसूस नहीं कर पाते या महसूस कर पाते हैं तो उसको किसी ताल्लुक से नजरअंदाज करके चलते हैं ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे उन पर कोई आजर नहीं मिलेगा कोई सवाब नहीं मिलेगा इसलिए हमें हमेशा अपने अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर देखना चाहिए और नाज़रीन ने किराम आज का जमाना वो जमाना है कि हर आदमी ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा है बात को समझने की कोशिश कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार पूछने की भी कोशिश कर रहा है और जब उसे तसल्ली हो जाती है तो तसल्ली के बाद तब वो काम कर रहा है लेकिन दीन के मामले में या तो हम तसाहुली बरत रहे हैं या हम चशम पोशी कर रहे हैं या फिर हम जान बूझ कर कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं कि हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि नहीं जो अमल हम कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि नहीं अल्लाह के रसूल ने ये दीन बहुत आसान जबान में समझाया है एक रिवायत में आता है कि सीधी लकीर खींचने के बाद कुछ लाइनें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईं तरफ खींच दी और कुछ लाइनें अल्लाह के रसूल ने बाई तरफ खींच दी और फिर सीधे सीधे कुरान मजीद आपने पढ़ा आपने पढ़ा व अन नहाजा सिराती मुस्तीम पला पताफर का अन सबीली आपने कुरान की आयत पढ़ी जिसमें बताया गया कि ये जो सीधी लाइन अल्लाह के रसूल ने खींची है यही सिरा मुस्तकीम है यही सीधा रास्ता है यही सच्चा रास्ता है यही हिदायत का रास्ता है यही जन्नत का रास्ता है तुम सिर्फ इसी रास्ते की इतवा करो इसी की पैरवी करो इसी पर चलो वाला सुबुल इसके अलावा जो दाएं बाएं रास्ते हैं उन पर ना चलो फतफर रिकम अंसबीली ही अगर तुम सीधा रास्ता छोड़कर दाएं और बाएं के रास्तों पर चलोगे तो ये तुम्हें तुम्हारे अपने रास्ते से सिरात मुस्तकीम से हिदायत वाले रास्ते से फेर देंगे दूर कर देंगे इसके बारे में हमें सोचना चाहिए हमें समझना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कुरान ने बयान किया है قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله अल्लाह क्या नबी आप इनसे कह दीजिए कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं कौन है जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेगा हम जो भी काम करते हैं अपनी सवाब दीद से सही हो या गलत ये अलग बात है लेकिन इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए इसीलिए करते हैं कि अल्लाह खुश हो जाए इसीलिए करते हैं कि अल्लाह व को ताला हमें हमारी जो हमने काम किया उस पर आज रोज सवाब दे हमारी दुनिया भी बन जाए और हमारी आखरत भी बन जाए तो फरमाया अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना चाहते हो फूनी तो बहुत साफ अल्फाज में कुरान ने फरमाया कि नबी कह दो कि तुम्हें मेरी इत्तबा करना पड़ेगी मेरे कहे पर चलना पड़ेगा मेरी बात को मानना पड़ेगा जिंदगी के हर गोशे में मुझसे रहनुमाई लेना पड़ेगी कोई भी अमल कैसा भी हो अगर उस पर अल्लाह के रसूल की स्टैम नहीं है मोहर नहीं है तो वो ये याद रखिए जाली है वो अमल के काबिल नहीं है उस पर आजर नहीं मिलेगा उस पर सवाब नहीं मिलेगा और इस तरह की कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं एक सहाबी हज़रते हजरत इब्ने अमर रदी अल्लाह तन के बारे में आता है कि उनके वालिद अमर इब्ने आस रदी अल्लाह तन घर में गए तो हजरत अब्दुल्ला घर में नहीं थे अहलिया से उनके जिंदगी के मामला के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि हजरत अब्दुल्ला का हाल तो यह है कि दिन में नफली रोज़ा रखते हैं रात में तहजद पढ़ते हैं और इन दोनों से अगर उन्हें कोई फुरसत मिलती है तो वो कुरान की तिलावत करते हैं हजरत अब्दुल्लाह को अल्लाह के रसूल के पास अमर अबन आ अल्लाह तु लेकर आए और फरमाया कि अब्दुल्ला ऐसे और ऐसे ऐसे मैंने सुना है जब उन्होंने कहा कि हां तो आपने फरमाया कि अब्दुल्ला तेरी आंख का तुझ पर हक है तेरे जिस्म का तुझ पर हक है तेरी बीवी का तुझ पर हक है यह बात वाजे करती है कि उस अमल पर अल्लाह के रसूल ने मोहर नहीं लगाई मोहर तो अल्लाह के रसूल ने उनके एक और अमल पर नहीं लगाई हदीस में आता है कि वो अल्लाह के रसूल के पास गए कि मैं एक दिन में एक कुरान पढ़ना चाहता हूँ मुकम्मल करना चाहता हूँ आपने मना फरमाया फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए कि दो दिन में कुरान खत्म कर दूँ अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने उससे भी मना फरमाया इजाज़त नहीं दी तो फरमाया अल्लाह के रसूल तीन दिन में मुकम्मल करूँ इसकी इजाज़त दी जाए तो आपने फरमाया व सुलूस व सुलुस आपने इजाज़त तो दी लेकिन उसमें भी फरमाया कि सुलूस भी ज्यादा है कोई आदमी अगर किसी ताल्लुक से इस बात को लोगों के सामने रखता है कि फला बुजुर्ग एक रात में आठ कुरान पांच कुरान सात कुरान या नवाफिल पढ़ते तो एक रकात में एक कुरान दूसरे रकात में दूसरा कुरान तो याद रखिएगा उस पर रसोल्ला की मोहर नहीं है वो अमाल साले नहीं बन सकता वो हमारे लिए निजात का जरिया नहीं बन सकता इस ताल्लुक से हमें जरा सा ईमानदारी से गहराई में उतरने की जरूरत है और अपने अमाल को जिस तरह आज हम अपने दुनियावी काम को कई कई बार चेक करते हैं जो काम हम करते हैं उसमें उंगली रखने के बाद ये बता देते हैं कि ये सही है तो कितना सही है सही नहीं है तो कितना सही नहीं है उतनी ईमानदारी दीन के ताल्लुक से भी हमारी जिंदगी में आना चाहिए साहब इकराम उसका बड़ा ख्याल रखते थे बड़ा ध्यान रखते थे क्योंकि अल्लाह तबार को ने कुरान में कहा लकद कान लकुम फिर रसूल उस वत हसना हमारे लिए इंसानों में सिर्फ एक इंसान आइडियल है कौन किसे आइडियल मान रहा है मनता रहे Osionfish. हमारे लिए आइडियल हैं मोहम्मद अलैहि वसल्लम हमारा चेहरा रसूलुल्लाह के मुताबिक होना चाहिए हमारी नमाज रसूलुल्लाह के मुताबिक होनी चाहिए हमारी इबादत रसूलुल्लाह था था के मुताबिक होनी चाहिए हमारा अमली निजाम घर का हो या बाहर का हो जिंदगी अंदर की हो या बाहर की हो सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयन मुताबिक होना चाहिए एक बाप को एक माँ को एक शोहर को एक बीवी को बच्चों को रिश्तेदारों को पड़ोस को अपनों के साथ गैरों के साथ दोस्तों के साथ दुश्मनों के साथ कैसे रहना है यह सब रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया है भाई इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुछ सीरीज इसी पर इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के, के मुख्तलिफ जो पहलू हैं कि आपने एक आबिद की हैसियत से आपने एक ताजर की हैसियत से आपने एक सिपलार की हैसियत से जो मुख्तलिफ हैसियतें हैं कैसे जिंदगी गुजारी है ये हमारे सामने आना चाहिए और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में और ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जिंदगी को सबसे मजबूत इंसान एक ऐसा इंसान जिसने पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक किसी भी ताल्लुक से कोई आय नहीं किया कोई बुराई नहीं की कोई बदखलाकी नहीं बता सकता कोई दुश्मन ये नहीं कह सकता कि मुझसे बात की है तो थोड़ा सा अपने लेवल से उतर कर की है रसूलुल्लाह का एक मेयार रहा है नाजर ने मुसलमानों को वह मैार बनाने की जरूरत है अपने अखलाक से अपने किरदार से अपने आमाल से अपनी खूबियों से हमें वो झलकाने की जरूरत है माफ कीजिएगा मैं ये कहकर गुजर रहा हूं कि होना यह चाहिए था कि हमारी जिंदगियों को देखकर सामने वाला अगर दुश्मन भी है तो कायल हो सामने वाला अगर इस्लाम नहीं जानता तो हमारी जिंदगी से इस्लाम जान ले लेकिन आज हाल यह हो गया है कि अगर मुसलमान को झांकने की कोई कोशिश करता है तो उसकी जिंदगी को झांकने के बाद इस्लाम से कोसों दूर जा रहा है क्योंकि इस्लाम माफ कीजिएगा कहीं भी दहशत गर्दी नहीं सिखाता माफ कीजिएगा बदखलाकी नहीं सिखाता ये जो नशा जिंदगी में आया है चाहे वो शराब का हो चाहे वो गांजे का हो अफीम का हो सिगरेट का हो बीड़ी का हो तंबाकू का हो गुटके का हो अफीम का हो चर्स का हो और नशा नशा होता है किसी भी चीज का हो चाहे किब्र का हो गुर का हो गमन का हो तकबुर का हो किसी नशे को इस्लाम पसंद नहीं करता सिर्फ यह गुटका और यह शराब का नशा नहीं मैं का एक नशा होता है और अगर आप देखेंगे यह शैतान को चढ़ा था अल्लाह तबार व तआला ने उसका नशा निकाल दिया काल फखमिन हा फईन न व इन्ना आलई का लानती यउम्दीन नेक लोगों को जमाती से अल्लाह ने निकाल दिया का दफान कर दो इसे निकाल दो इसे मैं का नशा चढ़ा था कारून को अपने माल का कुरान बयान करता है फा भी ही व बिदार ही लारस हमने सिर्फ कारून को नहीं बल्कि कारून को उसके खजाने के साथ जमीन में धसा दिया एक नशा चढ़ाता फिराउन को अना और आला का दावा करने वाला फिराउन जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता सब हेच हैं सब कमजोर हैं सब जलील हैं उसके सामने आल फिर आउना वन तुम तंजुर कुरान बयान करता है हजरत मूसा अली सलात और उनके मानने वालों ने लाइव टेलीकास्ट देखा दरिया के उस तरफ देख रहे हैं फिरओन का लश्कर डूब रहा है खुद फिर पानी में गोते खा रहा है और गोते खा खाकर डूब डूब कर फिर उसी मर गया नशा कैसा भी हो मेरे भाइयों, इस्लाम पसंद नहीं करता आज हमें अपनी जिंदगी को समझने की जरूरत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने जो तालीम दी है उस तालीम को समझ कर सही माना में अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह के आयन मुताबिक गुजारने की जरूरत है क्योंकि कुरान ने फरमाया फला व ثم لا يجدو तुम मलाम महाराजा مما व युसली तस्लिमा अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कसम खा ली अपनी जात की कसम खाई फरमाया तेरे रब की कसम वो इंसान मोमिन ही नहीं है अगर हम सब कुछ करने के बाद मोमिन ना रहे हमारा ईमान ना रहे तो हमारे मेहनत करने से काम करने से क्या फायदा फिर कौन आदमी मोमिन नहीं है शराब फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं है कि जो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में अपने रसूल को अपना हकम तस्लीम न कर ले और सिर्फ हकम तस्लीम करना ही उससे काम नहीं चलेगा आपने हुक्म मान लिया जो फैसला किया उसे तस्लीम कर लिया लेकिन दिल मुतम नहीं है आप चौराहों पर कहते फिर रहे हैं लोगों से कहते फिर रहे हैं अरे फला फैसला कर दिया मेरे खिलाफ चला गया मानना पड़ा नहीं मानते तो ऐसा हो जाता यह हो जाता वो हो जाता कुरान फरमाता वो इसलिम तस्लीमा जो रसूल्ला फैसला करें बगैर किसी हिचकिचा हट के बगैर किसी तरद के बगैर किसी पेश के उसको तस्लीम किया जाए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुरान ने तम्बी की है फल यादर यु खालिफू ना ना अमरी अन तो बहुम फित युसी बहुम आदाब नारी ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करते हैं कि उनको हो सकता है इस दुनिया में आजाब अगर ना भी हो तो किसी फितने का वो शिकार हो जाएंगे और अगर नहीं हो सके तो आखिरत में ज़रूर उनको आजाब होगा इसलिए अल्लाह का मकाम क्या है मर्तबा क्या है ये हमें जानना चाहिए और कुरान ने यह एहसास दिलाया वमा कुमर रसूल फो वम हा कुमनु जो रसूल दें उसे ले लो जो बात भी अल्लाह के रसूल फरमाएं कि ये करना है ऐसे करना है ऐसे ही करना है बस वही हमारी जिंदगी होनी चाहिए और जिससे अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया रुक जाओ बाज आ जाओ ऐसा ना करो ये काम करोगे तो गुनाह होगा तो उससे हमें रुक जाना चाहिए उसमें किसी भी तरह का तरद नहीं होना चाहिए किसी तरह का इश्काल नहीं होना चाहिए आपको मालूम है वो मशहूर वाकया जंग अहोद के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचास साहब इकराम को मामूर किया कि ये जो दुर्रा है ये घाटी है बस तुम्हें यही खड़े रहना है लड़ाई हो होती रहे तुम्हारा काम है सिर्फ यही जमे रहना जंग घमसान हो गई साहब कराम ने जंग जीत ली उसके बाद साहबा कराम कैदियों को पकड़ने लगे जो भाग रहे थे कुफार मुशरकिन उनको पकड़ने लगे जो माल वो छोड़कर जा रहे हैं उसको उठाने लगे तो ये जो पचास लोग थे उनमें से खयाल आया बाद सहाबा को और ख्याल आते 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 बढ़ने लगता है और उसी से अल्लाह के रसूल की मुखालिफत हो जाती है याद रखिएगा ध्यान रखिएगा उनमें से ख्याल आया बाद सहाबा को ख़त्म हो गई जिस काम पर अल्लाह के रसूल ने मामूर किया था वो भी मुकम्मल हो गया अब जो हमारे साथी लड़ रहे थे किसी के हाथ में जख्म है किसी के पैर में जख्म है किसी के सर में जख्म है किसी को सहारे की जरूरत है किसी को पट्टी की जरूरत है किसी के दवा की जरूरत है जो माल उठा रहे हैं उसको समेटने की जरूरत है जो वो भाग रहे हैं अपदियों को पकड़ रहे हैं उनका साथ देने की जरूरत है यहां से साहबा खिसकने लगे उतरने लगे एक सहाबी दो सहाबी उसके बाद दस सहाबा आदिश में आता चालीस सहाबा एक राम वहां से उतर गए बहुत देर से खालिद ने वलीद जो भी मुसलमान नहीं हुए थे और मुश्रकी मक्का के साथ आए थे उसी फिराक में थे वो इसी जस्तुजू में थे वो इसी तलाश में थे कि कहीं से कोई कमी मिले कोई रास्ता मिले उनकी निगाह हमेशा उन्हीं पचास साहबा की तरफ थी जब उन्होंने देखा कि एक एक करके एक एक करके एक बड़ी टीम वहां से नीचे उतर चुकी है तो खालिद ने वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर पीछे से आए और उन्होंने हमला कर दिया और दस साहब इक्राम जो रह गए थे तीरों की बारिश ऐसी हुई कि एक-एक करके दस के दस शहीद हो गए और पीछे से उन्होंने वार कर दिया समझने में भी देर लगी साहबा को ये क्या हो गया कैसे हो गया जरा सा ख्याल आया था और ख्याल भी कहीं किसी भी ताल्लुक से उसमें नाफरमानी शामिल नहीं थी उसके अंदर किसी भी तरह से कोई ऐसा उनसुर गालिब नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि यहां उनसे यह चूक हुई है सिर्फ इस मोहब्बत में के सहाबा लड़े हैं साथियों ने साथ दिया है साथी मुस्तकिल लगे हुए हैं थके हुए हैं उनका सहारा बनना चाहिए आप देखते हैं कि जीती हुई जंग खालिदिन वलीद ने यहां बराबरी पर लाकर खड़ा कर दी मैं अर्ज यह कर रहा था मेरे नाजरीन कि रसोल्ला का मुकाम है आपका एक मर्तबा है आपकी एक हैसियत है उसे समझना चाहिए और उसको जानकर हमें रसोल्ला व्ल् की अतवा कितनी करनी है कैसे करनी है क्या उसके उसूल हैं क्या उसके शराइ हैं क्या उसके जवाबित हैं क्या उसकी जिम्मेदारियाँ हैं हमें समझ कर सही माना में रसोल्ला व्लम का मतवी बनना चाहिए अल्लाह तबारक वाली से दुआ है कि अल्लाह तबारको ताली हमें रसूलुल्लाह के इतबा करने की तोफ़ी नायत फरमा असलकम वरम्ह वर्क ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें